हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद और शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा नाम जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी वीडियो के पर्सपेक्टिव से हम जान लेते हैं कि आरबीआई क्या काम करता है। आरबीआई न्यू बैंकिंग रूल्स में सुधार और उनको इम्प्लीमेंट करता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज में भी सुधार और समय समय पर उनको इम्प्लीमेंट करता रहता है, महंगाई और विकास दर को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी विद डेवलपमेंट की जिसको आरबीआई सून ही इम्प्लीमेंट करने वाला है, और यही मेरे वीडियो का सब्जेक्ट भी है, टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड। ये सर्कुलर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और ऐसे सर्कुलर आपको आगे वीडियो में दिखाए जाते रहेंगे। दोस्तों, ये सर्कुलर इशू किया गया है 8 जनवरी 2019 को टू ऑल ऑथराइज्ड कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स, और इसका सब्जेक्ट है टोकनाइजेशन इन कार्ड ट्रांजेक्शन। इसमें लिखा हुआ है कि कार्ड के लेन देन की प्रक्रिया में सुधार और सुरक्षा के प्रयासों को जारी रखते हुए आरबीआई ने कार्ड के स्पेसिफिक यूज के मामले में कार्ड नेटवर्क को टोकनाइजेशन की अनुमति दी थी। दोस्तों, क्या है टोकनाइजेशन प्रोसेस और कौन है कार्ड पेमेंट नेटवर्क, समझते हैं इसको अगली स्लाइड में। प्रीवियस स्लाइड में हमने एक वर्ड यूज किया है टोकनाइजेशन। वैसे तो वह टोकन आपके लिए कोई नया नहीं है, आप इसको रोज कहीं ना कहीं यूज करते हैं, सर्विसेज के लिए, हॉस्पिटल्स में या ऐसी बहुत सी जगह जहां से आप शॉपिंग या सर्विस लेते हैं। बट जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो समझते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें टोकनाइजेशन से क्या समझाना चाहता है। सामने स्क्रीन पर आपको एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिस दिखाया जा रहा है जो इशू किया गया है 8 जनवरी 2019 को। दोस्तों, रेफरेंसेस हम इसलिए शो कर रहे हैं आपको ताकि आपको चले पता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई ऐसी पॉलिसी भी लेकर आने वाला है और कब इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और मेरे वीडियो भी इसी रेफरेंसेस पर बेस्ड है। दोस्तों, क्या लिखा है इसके अंदर जान लेते हैं। इसमें लिखा है कि आपके कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की एक्चुअल डिटेल्स के कॉम्बिनेशन से प्लस टोकन रिक्वेस्ट के कॉम्बिनेशन से आपको एक कोड जनरेट करके दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं टोकन, और ये खास होगा टोकन रिक्वेस्टर के लिए और जिस डिवाइसेस पर आप इस फैसिलिटी को यूज करेंगे। दोस्तों, वर्ड यूज हुए हैं इसमें टोकनाइजेशन, टोकन, टोकन रिक्वेस्टर, और जान लेते हैं डिवाइसेस क्या होते हैं अगली स्लाइड में। हे फ्रेंड्स, प्रीवियस स्लाइड में हमने कुछ वर्ड यूज किए हैं टोकन, टोकन रिक्वेस्टर और टोकनाइजेशन भी। दोस्तों, टोकनाइजेशन प्रोसेस को समझने से पहले हम कुछ एंटिटीज के बारे में जान लेते हैं जो हमें वीडियो को समझने में हेल्प करेंगे, जैसे कस्टमर, मैं, आप, मर्चेंट या टोकन रिक्वेस्टर, कार्ड पेमेंट नेटवर्क एंड डिवाइसेस। जानते हैं ये हमारे लिए कैसे काम करेंगे अगली स्लाइड में। फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहां जाके आप अपनी रोज हजारों की जेब खाली करते हैं, यानी कि जहां से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्र, ग्रोफर्स, जहां जाके आप रोज इंजॉय करते हैं अपनी शॉपिंग के और गरम गरम और नाजे खाने के मजे भी लेते हैं, जैसे कि जोमेटो, फूड पांडा। कस्टमर, मर्चेंट या टोकन रिक्वेस्टर, प्रीवियस स्लाइड में हम समझ चुके हैं। आइए समझते हैं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स कौन होते हैं। दोस्तों, आपके कार्ड के ऊपर अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा, मास्टर कार्ड, रूपे या कोई और भी हो सकते हैं आपके पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स, और ये हमेशा काम करते हैं बैंक के साथ टाई अप कर। बट यहाँ पर हमारे लिए टोकन जनरेट करेंगे और ई कॉमर्स साइट पर हमारी पेमेंट को आगे प्रोसेस भी कराएंगे। फ्रेंड्स, बहुत वेट किया है आपने टोकनाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए और जो मेरे वीडियो का सब्जेक्ट भी है। दोस्तों, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने समझा मर्चेंट्स, पेमेंट सिस्टम नेटवर्क्स और टोकन रिक्वेस्टर कौन होते हैं। आइए समझते हैं जब ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो टोकनाइजेशन प्रोसेस कैसे काम करता है आरबीआई की नज़रों से। आप कस्टमर हैं, आप किसी मर्चेंट साइट पर जाते हैं और आप वहां से अपनी ज़रूरत का सामान या कोई सर्विस लेते हैं और यूज़ करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। डिटेल्स आप शेयर कर देते हैं मर्चेंट साइट पर, जैसे कि 16 डिजिट का नंबर, बैंक इश्योर नेम और एक्सपायरी डेट। मर्चेंट आपके अप्रूवल लेकर टोकन रिक्वेस्ट के लिए भेज देता है कार्ड नेटवर्क पर, और वहां से टोकन जनरेट कर शेयर कर दिया जाता है मर्चेंट की साइट पर। फिर आप सीवीवी और टीपी के थ्रू अपनी पेमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि क्या आपका टोकन मर्चेंट के पास सेव है। यस, आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो उसके वहां सेव रह सकते हैं या फिर डीटोकनाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका टोकन वहां सेव रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग उसी टोकन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपना सेकेंड कार्ड यूज कर भी शॉपिंग कर सकते हैं, बट आपको टोकनाइजेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपकी कार्ड्स की एक्चुअल डिटेल्स मर्चेंट के पास सेव नहीं है तो आप हो जाइए टेंशन फ्री। एक अच्छी बात यह है कि कार्ड पेमेंट नेटवर्क आपके कार्ड की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेंगे। कार्ड पेमेंट नेटवर्क ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके नेक्स्ट टाइम के पेमेंट टोकन पेमेंट से ही की जाए और ओरिजिनल डिवाइस से ही की जाए,
और कार्ड पेमेंट एड्रेस आपके कार्ड को या टोकन को अनवांटेड यूसेज से भी बचाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सभी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर आपके कार्ड को एंश्योर करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो दोस्तों, टोकनाइजेशन प्रोसेस हम समझ चुके हैं, है ना सेफ एंड सिक्योर। हेलो फ्रेंड्स, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कार्ड एड्रेस आपके कार्ड की सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कराएंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट ओरिजिनल डिवाइस से नहीं जा रही है। आइए समझते हैं इसको हम एक लाइव एग्जांपल से गूगल अकाउंट के थ्रू। दोस्तों, मेरा अकाउंट ऑलरेडी मोबाइल पर लॉगिन है, मैं इसको चाहता हूँ कंप्यूटर पर लॉगिन करना, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे इसको मैं लॉगिन करना शुरू करता हूँ, गूगल मुझे नोटिफाई कराता है मेरे मोबाइल पर, और अगर यहाँ पर मैं इसको यस कहता हूँ तो ये मुझे लॉगिन करने की परमिशन देता है, अदरवाइज मैं अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, ऐसे ही कार्ड नेटवर्क्स आपको नोटिफाई कराएंगे और आपको मैसेज देंगे अगर आपकी रिक्वेस्ट किसी और डिवाइस से जा रही होगी, यानी कि अगर आपकी रिक्वेस्ट ओरिजिनल डिवाइस से नहीं जाएगी। इसी को बोलते हैं एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, इससे आपका कार्ड सेफ एंड सिक्योर रहेगा। दोस्तों, देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट जिसे आप जानते हैं, जैसे QR कोड, ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, बट इसके अलावा अदर पेमेंट्स ऑफ मेथड कौन से हैं? नियर फील्ड कम्युनिकेशन एंड मैग्नेटिक सिक्योर ट्रांसमिशन, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इसी टॉपिक पर। समझते हैं RBI के अकॉर्डिंग टोकनाइजेशन फैसिलिटी हम कौन कौन से डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये रिवाइज नोटिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो इशू किया गया है 25 अगस्त 2021 को। दोस्तों, आपको रेफरेंसेस इसलिए बताए जाते हैं सो दैट रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस नोटिस के अंदर बताया गया है कि टोकनाइजेशन फैसिलिटी अब बाकी डिवाइसेस पर भी एक्सटेंड कर दी गई है, जैसे कि लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, वेरेबल डिवाइसेस पर, और ऐसे गैजेट्स जहां पर आप रोज इंटरनेट यूज कर सकते हैं वहां पर भी कार्ड से ट्रांजेक्शन करना सेफ और सिक्योर रहेगा और ईजी रहेगा यूजर्स के लिए। दोस्तों, एक प्रीवियस सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये फैसिलिटी पहले सिर्फ मोबाइल या टैब्स पर ही अवेलेबल थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सर्कुलर के रेफरेंसेस चेक करना तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक नोटिस के रेफरेंस से, जो इशू किया गया है 31 मार्च 2021 को टू ऑल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट। इसके अंदर बताया गया है कि किसी भी मर्चेंट को, किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर्स को अपने सिस्टम या डाटाबेस पर कस्टमर्स की कार्ड की डिटेल्स को सेव करने की परमिशन नहीं है। मर्चेंट सिर्फ टोकन नंबर और कस्टमर का नेम ही सेव कर सकता है अपने डाटाबेस या सिस्टम पर। दोस्तों, इस टोकन पेमेंट सेफ एंड सिक्योर, समझते हैं इसको इजी तरीके से। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको एक कार्ड शो हो रहा है जिसके अंदर है 16 डिजिट का नंबर और बाकी डिटेल्स। कार्ड नेटवर्क्स इन्हीं डिटेल्स को चेंज कर देते हैं 9 नंबर में, जिसको कहते हैं हम टोकन। मर्चेंट के पास सिर्फ आपका टोकन ही सेव रहता है, बाकी डिटेल्स वहां पर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, हम समझ चुके हैं टोकनाइजेशन प्रोसेस, और जो इन्फॉर्मेशन थी RBI के सर्कुलर से वो भी मैं आप तक प्रीवियस स्लाइड में पहुंचा चुका हूं। आइए समझते हैं कुछ बेनिफिट फटाफट। मर्चेंट कैन नॉट स्टोर योर कार्ड डिटेल्स, फ्रॉड प्रोटेक्शन से आप बचे रहेंगे। सिक्योरिटी, इफ साइबर अटैक्स ऑन एनी मर्चेंट साइट, आपका डाटा वहां पर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मर्चेंट कैन सेव योर टोकन नंबर फॉर सब्सिक्वेंट परचेजेस, दिस हैज नो थ्रेट, आपकी कार्ड की सिक्योरिटी पहले ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे अच्छी बात, आपको जो पेमेंट प्रोसेसिंग टाइम है वो भी पहले से कहीं ज्यादा कम हो जाता है। हे फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टोकन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला था 1 जनवरी 2022 को, बट अब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन डिले हो चुका है जून 22 तक, बिकॉज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पेमेंट सिस्टम नेटवर्क्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स अभी अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाए हैं। सो जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी उससे पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने डाटाबेस से कस्टमर्स की कार्ड्स की डिटेल्स को, जैसे कि 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और बैंक इश्योर नेम, ऐसी डिटेल्स को अपने सिस्टम से इरेज करना होगा और फिर टोकनाइजेशन सिस्टम के थ्रू काम करना होगा। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन थी RBI के सर्कुलर के थ्रू मैं अब तक पहुँचा चुका हूँ। इसके अलावा आपको कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लगे हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ग्लोब व्यू को फॉर मोर अपडेट्स ऑन वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।